देखिए, हमने दो तीन चीज़ कहा है। गवर्नमेंट इसका सोच रहा है कि हमारे जो लेदर एक्सपोर्ट हो रही है उसकी रॉ मटेरियल को जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है अभी लगा एक्सपोर्ट करने में, उसको निकालने में लगी है। हमने कहा, वार्न किया कि उसको मत कीजिएगा, अगर आप करेंगे तो ऑलरेडी हमारा एक्सपोर्ट डाउन है 11% और नीचे गिर जाएगा, उसका एक बात कहा। दूसरा हमने ये कहा कि फिनिश लेदर जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट सबवर्शन नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। जो हमने जो चीज़ मेनली कहा, ये कहा कि मार्केटिंग में ध्यान दीजिए। MIS फंड और जो MDA फंड आपने दिया है बहुत कम है, 300 करोड़ का है, जबकि एक रुपया एवरी 6,500 करोड़ का एक्सपोर्ट पर एक रुपया खर्चा कर रहे हैं हम मार्केटिंग के लिए। आर माई दिस इज अलाउड इन द WTO ऑल्सो, सो दिस इज द टाइम वी शुड इंक्रीज अवर मार्केटिंग फंड एंड वी शुड स्टार्ट टू मार्केट अग्रेसिवली सो दैट द डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट्स कैन बी अरेस्टेड। वो हमने कहा। हमने ये भी कहा कि चाइना खुद एक ऐसी मार्केट बंद कर आ रही है कि हम चाइना पर ध्यान दें, कुछ फंड अलोकेट करें 10 करोड़ या 20 करोड़ चाइना के ऊपर, तो हम अच्छी तरह मार्केट बना सकते हैं चाइना को। ये दो तीन चीज़ हमने कहा। मेनली वी अप्रिशिएटेड द इंटरेस्ट सबवर्शन जो उन्होंने किया है। हम और DIPP से भी हमने कहा कि जो जो पेंडिंग फंड्स हमारा हुआ है उसको रिलीज करने के लिए कहा है। इस जेनेरिक है, जो कुछ भी हमने कहा है उसको अगर वो अमल में लाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ना कुछ होता है तो बहुत खुश हो जाएंगे हम। अगर नहीं होता, ऐसी रूटीन ऐसी बातें ही होते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा।